ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಕೂಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶವೂ ಇಲ್ಲ. बंदूक लेकर आने वाले, पेट्रोल बम्स लेकर आने वाले, तलवार लेकर आने वाले, ये सब आतंकवादी नहीं है. पत्थर लेकर अपने घर की हिफाजत, अपनी मोहल्ले की हिफाजत करने वाले आतंकवादी बन गए इस देश में. टेररिस्ट बोलकर उनको टारगेट किया जाएगा, मीडिया क्या करेगी, उसके बाद मीडिया ट्रायल चलाएगी. ये सब बातों को 30 साल पहले ही पॉपुलर फ्रंट के लोग हम बोले, 30 साल पहले ही बोले यही होने वाला है. आप समझते होंगे ये जहांगीरपुरा में हुआ, आप समझते होंगे ये जो है मध्य प्रदेश में हुआ, आप समझते होंगे ये इधर हुआ. क्या आप समझते हैं कल मैसूर में नहीं हो जाएगा? क्या आप समझते हैं कि ये कल बेंगलुरु में नहीं हो जाएगा? क्या आप समझते हैं कि उधर का मामला है? ये उधर का मामला नहीं है, ये पूरा देश में फैलने वाला है. मध्य प्रदेश का बीजेपी का आरएसएस का बुलडोजर मुसलमानों का गरोपों पर चल रहा है तो रीजन कौन? आरएसएस नहीं, बीजेपी नहीं, कांग्रेस है. याद रख लो, याद रख लो. इतने दंगे फसाद इस देश में हुआ है, ये लोग भी रीजन है. नम 13 वर्ष एसटीपी चरित्र यावदे धर्म विरुद्ध वंदे वंदु शब्द ना मातनाडिल्ला, यावदे वंदु जातिय विरुद्ध वंदु शब्द ना मातनाडिल्ला, ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗದ ನಡುವೆ ನಾವು ದ್ವೇಷ ಹರಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೋಮುಗಳ ನಡುವೆ ವಿದ್ವೇಷ ಹರಡಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು.